Journey to the End of the Earth, Tishani Doshi. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. तो इस साल की शुरुआत में जो राइटर हैं वो खुद को कहाँ पाती हैं? रशियन रिसर्च वेसल में, ओके? जिसका नाम क्या है? अकादेमिक शोकल्सकी, ओके? मे बी इट्स इन रशियन नेम, दैट्स व्हाई. हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. और ये जो वेसल है या ये जो शिप है या जो कोई भी चीज़ होगी वो किस तरफ जा रही है, ठीक है? एक ऐसी जगह, एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर, महाद्वीप पर, जो सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा सूखा और जहाँ पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं, ओके? जिसका नाम क्या है? अंटार्कटिका, ओके? सो ये कहानी जो होने वाली है वो अंटार्कटिका के बारे में है और जो राइटर हैं वो इस साल की शुरुआत में रशियन रिसर्च वेसल से उस तरफ जा रही हैं. माय जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. तो क्या लोकेशन क्या है इनकी? इनका जो सफ़र शुरू होता है वो 13.09 डिग्रीज नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ से शुरू होता है. तो ये उनका एग्जैक्ट पॉइंट है और इक्वेटर इन मद्रास, क्लियर? मद्रास से. एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, ओके? इनको उस पॉइंट से जहाँ से इनका सफ़र शुरू हो रहा है वहाँ से अंटार्कटिका पहुँचने में 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़ेंगे, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, 3 वाटर बॉडीज, ओके? एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फियर्स, ओके? इतनी सारी चीज़ें क्रॉस करके वो अंटार्कटिका पहुंच पाएंगे. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप. तो क्या कह रही है? कह रहे हैं कि भाई जब तक मैं अंटार्कटिका पहुंचूंगी, महाद्वीप पर पहुंचूंगी, तब तक लगभग मैं 100 घंटे तक ट्रैवल कर चुकी होंगी, ठीक है? 100 घंटे में क्या क्या कॉम्बिनेशन आता है? कार से भी, एरोप्लेन से भी और शिप से भी, सबका मिला के 100 घंटा हो रहा है, ओके? सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, ओके? तो यहाँ पर क्या बता रही हैं कि जो अब जैसे वो पहुँचे तो पहला उनका एक इमोशन क्या होगा, ठीक है? लैंडस्केप जो होगा वहाँ पर कैसा होगा? सबसे पहले तो वहाँ बर्फ होगी, इसलिए वाइट लैंडस्केप बताया. अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ, मतलब ठीक है, दूर दराज पे एक होराइजन है तो वहाँ पे कोई ब्लू चीज़ नहीं होगी, मतलब उसको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई लाइक पेड़ होगा, ओके? कोई भी जो होराइजन होता है जहाँ पर क्षितिज बोलते हैं, जहाँ पर आसमान और धरती मिलती है दूर पर जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं होगा, साफ साफ दिखेगा और वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इतनी खुशी हो रही होगी, इतना अनोखी चीज़ दिख रही होगी, उसके बारे में उन्होंने बताया. वंडर एट इट्स इमेंसिटी, ओके? तो अब भाई इतना ज़्यादा ह्यूज, इतना विशाल जो दृश्य उनको दिख रहा है वहाँ पर, उसके बारे में वो बता रही है. इट्स आइसोलेशन बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, ओके? तो क्या कहते हैं, कहती हैं यहाँ पर कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो आइसोलेशन है पूरा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है. लेकिन वो साथ ही साथ एक सवाल पूछती हैं खुद से कि ये कैसे हो सकता है कि एक समय ऐसा भी था, देयर हैव बीन अ टाइम, जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही ज़मीन के टुकड़े के हिस्से थे, ओके? ये एकदम अगल बगल थे बिल्कुल. तो यहाँ पर इन्होंने ये बात, एक क्वेश्चन या खुद से एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, ओके? पार्ट ऑफ हिस्ट्री 650 मिलियन ईयर्स अगो, प्लीज़ रिमेंबर द डेट, ठीक है? ये टाइम ड्यूरेशन जो है 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले, अ जायंट अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, मतलब यूनाइटेड. अमालगमेटेड का मतलब क्या है? यूनाइटेड, ओके? जिसका नाम, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, माना जाता है कि इतने साल पहले जितने भी दुनिया में इस वक्त अलग अलग महाद्वीप हैं वो सब एक ही चीज़ के हिस्सा थे. गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, ओके? जिसका नाम क्या था? गोंडवाना, ओके? सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और सेंटर कहाँ था इसका? जो आज अंटार्कटिका है, ओके? वहाँ पर इसका सेंटर माना गया. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस समय चीज़ें काफ़ी अलग रही होंगी, जैसे ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, इंसान धरती पर आया नहीं होगा उस समय तक, एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो उस वक्त का वातावरण होगा वो ज़्यादा गर्म रहा होगा. होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अच्छा ये अंटार्कटिका के बारे में ही बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जब सारे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक ही में होंगे.
ओके, तो ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना वहाँ पर होगा, मतलब अलग अलग प्रजातियाँ पेड़ पौधों की, जानवरों की वहाँ पर होंगी. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी सी एज वी नो इट टूडे. तो क्या कहते हैं, लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना था, ठीक है, वो अलग होना शुरू हो गया होगा. ओके, कैसे, ठीक है, सबसे पहले तो हुआ क्या होगा, डायनासोर्स जो थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है, जो मैमल्स थे वो अंदर चले गए, अंदर चले गए मतलब ख़त्म हो गए, धरती के अंदर चले गए, ठीक है, और जो लैंडमास था, जो एक ही हिस्सा था पूरा, वो टूटना शुरू हो गया और आज अलग अलग देश बन गए हैं, क्लियर, या अलग अलग महाद्वीप बन गए हैं, और जिसको आज हम जिस रूप में जानते हैं, आज एशिया अलग है, यूरोप अलग है, अफ्रीका अलग है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, तो ये सारे अलग अलग हिस्से हैं, ये पहले एक हुआ करते थे, आज हम जिस तरीके से जानते हैं ये सब उस टाइम से शुरू हुआ था और आज हम ऐसा जानते हैं. टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. ओके, अगर आप अंटार्कटिका जाना चाहते हो तो अब वो उस इतिहास का एक हिस्सा है बस. टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग. ओके, तो अगर इस चीज़ पर आपको पकड़ बनानी है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है, या कहाँ जा सकते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से उसमें पता चल सकता है. इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. ओके, तो यहाँ पर ये जो समझने गई हैं शायद, ठीक है, रिसर्चर होंगी कोई, तो ये वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस समझने गई हैं कि कोर्डिलरन फोल्ड्स जो हैं, ओके, ज़मीन का जो हिस्सा होता है वो फोल्ड होता है, उसके बारे में बात की गई है, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में बात हुई है. मे बी यू कैन नॉट रिमेंबर द वर्ड्स बट यू हैव टू लर्न इट. ओजोन एंड कार्बन, ठीक है, ओजोन कैसे क्या है, कार्बन क्या है, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलेंगी. इवोल्यूशन, कैसे हम इवॉल्व हुए, ठीक है, कैसे आगे बढ़े, प्रजातियाँ कैसे बदली और कैसे विलुप्त हुई, ये दोनों सारी मतलब सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलने वाली हैं. वेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रिटी माइंड ब्लॉगिंग. ओके, कह रहे हैं अगर आपको ये बताया जाए कि ये सब कुछ मिलियन ईयर्स में ही हुआ है, लगभग 10 लाख साल में ही हुआ है ये सब कुछ, तो एकदम दिमाग जो है वो, ठीक है, काम करना बंद कर देगा कहीं ना कहीं. इमेजिन, ठीक है, तो अब राइटर हमसे कह रहे हैं सोचो. इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस. तो अब कह रहे हैं कि इंडिया का जो हिस्सा है वो नॉर्थवर्ड्स की तरफ जा रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एशिया के अंदर स्ट्राइक करता है, घुस जाता है वहाँ पर. ओके, होता क्या है कि जो उसकी ज़मीन का टुकड़ा है वो ऊपर उठता है और वो क्या बन जाता है, हिमालय बन जाता है. ओके, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. ओके, अब क्या होता है, जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है, ओपनिंग अप अ ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम पोलर करेंट. सॉरी, ड्रिफ्टिंग ऑफ. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ड्रेक पैसेज बना रहा है जहाँ पर कोल्ड सर्कम पोलर करेंट्स आ सकते हैं, मतलब करेंट्स इन द सेंस ये समुद्र की लहरों के बारे में बात हो रही है. ओके, इट्स अ डिफरेंट थिंग, यहाँ थोड़ा जोग्राफी एंड फिजिक्स एंड साइंस सब कुछ मिक्स है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. और इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो हुआ ही हुआ, और अंटार्कटिका कहाँ पहुँच गया, अंटार्कटिका पहुँच गया, ठीक है, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, नीचे सदर्न मोस्ट हिस्से में पहुँच गया अंटार्कटिका. ओके, फ्रिजिड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा अंटार्कटिका. ये सारी चीज़ों की वजह से अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा ठंडा रह गया, अलग पड़ा है, अलग थलग पड़ा हुआ है यहाँ पर, सुनसान है एकदम. ओके, और दुनिया के नीचे हिस्से में है. गॉट इट. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट. ओके, तो क्या कहते हैं कि ये जो राइटर है वो कहाँ ऐसे हैं, मद्रास से हैं. ओके, मद्रास को आज की डेट में क्या बोला जाता है, चेन्नई. ओके, तो ये जो राइटर हैं वो वहीं मद्रास से ही हैं, जो कि साउथ इंडिया में है, चेन्नई. ओके, और हम सबको पता है तो वहाँ पर साल में लगभग सूरज रहता है, तो मतलब वहाँ पे आप सूरज की पूजा भी कर सकते हो, उनके दर्शन करते हो. ओके, मतलब यहाँ पर ये है, लाइक माई सेल्फ 2 weeks इन अ प्लेस वेयर. अब वो 2 हफ्ते के लिए कहाँ पर है, ये याद रखना, 2 हफ्ते के लिए हैं वो, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन द चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, जहाँ पर दुनिया भर का लगभग 90% तक, ठीक है, जो बर्फ़ है वो वहाँ पर स्टोर्ड है और बहुत ज़्यादा ठंडक है वहाँ पर. नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी, अच्छा चिलिंग प्रॉस्पेक्ट बोला है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम और मेटाबॉलिक फंक्शंस आपके ख़राब हो रहे हैं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, मतलब सोच के ही इतना ज़्यादा ठंड लग रही है वहाँ पर. ओके, इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल,
ठीक है, किस तरीके से है, जैसे आप एक बहुत विशाल का एकदम पिंग पोंग बॉल के अंदर मूव कर रहे हो, इट्स अ गेम पिंग पोंग बॉल, ओके, एक यू कैन से कंप्यूटराइज्ड गेम है वो, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, डिवॉइड मतलब वंचित है, क्लियर। अब वहाँ पे क्योंकि इंसान नहीं है तो ना वहाँ पर कोई इंसान के ठीक है कोई भी चीज़ होगी, ना वहाँ पर पेड़ हैं, ना वहाँ पर कोई बोर्ड्स लगे हैं, बिलबोर्ड्स, और ना कोई बिल्डिंग है, ओके। यू लूज ऑल अर्दली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, मतलब वहाँ पहुँचकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप धरती पर हो, ओके, इतना अलग चीज़ है वहाँ पर। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, और जो विजुअल्स हैं वहाँ पे मतलब एकदम छोटे, एकदम सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अगर देखा जाए तो वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से लेकर एकदम विशाल काय चीज़ें भी देखने को आपको मिल सकती हैं। मिड्स एंड माइट्स और टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े बड़े वहाँ पर आइसबर्ग्स तक हैं, ठीक है, आइसबर्ग्स इतने बड़े हैं कि कोई देश भी उसके आगे छोटा लगे, या एक देश जितने बड़े हैं। जो अभी तक सबसे बड़ा आइसबर्ग पाया गया है वो कितना बड़ा था, बेल्जियम के जितना, बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है, ओके, तो उसके जितना बड़ा आइसबर्ग पाया गया है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, ओके, तो दिन बीतते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, और 24 घंटे वहाँ पर सिर्फ उजाला रहता है, अंधेरा होता ही नहीं है, ओके, तो ये यहाँ पर बताया है। ऑस्ट्रल समर लाइट मतलब क्या है, देखो क्या होता है, अगर थोड़ा सा अगर आपको ज्योग्राफी पता हो तो ऑस्ट्रल पहले तो सदर्न पार्ट है, ऑस्ट्रल का मतलब सदर्न पार्ट, ओके, तो 6 महीने साउथ में, जैसे अभी यहाँ पर हमारे वहाँ सर्दी है, हम नॉर्थ में हैं, ओके, दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में हमारे वहाँ सर्दी पड़ती है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहाँ गर्मी पड़ती है, और आप एकदम साउथ पोल की तरफ चले जाओगे तो वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है अगले 6 महीने तक, ओके। सेम गोज विद द नॉर्थ, नॉर्थ में भी 6 महीने तक अंधेरा होता ही नहीं है, जब हमारे वहाँ गर्मी पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पर अंधेरा नहीं होता है, वहाँ 6 महीने तक सूरज दिखता है, ओके, लगातार। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश हुई है, एंड आई हैव टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल टर्म है। एंड अ उबिक्विटस साइलेंस, ओके, तो एकदम मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल साइलेंस है वहाँ पर, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कार्विंग आइस शीट, तो इतना ज़्यादा शांत, इतना साइलेंस है वहाँ पर, और वो साइलेंस कब टूटता है, जब कोई ओकेजनल एवलांच होता है, एवलांच मतलब ठीक है बर्फ गिरती है ना एकदम से तेज़ी से पहाड़ से, ऐसे बर्फ गिरती है, ठीक है, एक होता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड होता है, इसी तरीके से जब बर्फ फिसलती है किसी पहाड़ से उसको एवलांच कहते हैं, तो ओकेजनल एवलांच जब होता है, तो जब इस तरीके से कहीं से बर्फ फिसलती है, गिरती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है उसकी आवाज़ की वजह से, और आइस शीट जो होती है, बर्फ़ की परतें जब आपस में एक दूसरे से टकराती होंगी, ओके ओके, कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, ठीक है, तो उसमें पूरा शोर हो जाता है वहाँ पर, इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये एक ऐसी जगह है, ठीक है, एकदम सबमर्जेंस है, इमर्शन का मतलब डूब जाना, किसी चीज़ में डूब जाना, ओके, दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो धरती की जो भी हिस्ट्री रही है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, ओके, उसमें आपको एकदम मतलब मोहित कर देगी, वहीं पर आप बने रहना चाहोगे। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, ओके, तो लेकिन ह्यूमंस के लिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब इस तरीके से ये मोहित हो जाना, उस जगह से ना निकलना, इतना अच्छा लगना, ठीक है, ये जो रोग है, इस चीज़ का प्रोग्नोसिस बोला गया है, ठीक है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, ओके। ह्यूमन इम्पैक्ट, अब इंसानों पर क्या असर होता है, इम्पैक्ट का मतलब असर, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स, ओके, मतलब लगभग लगभग अगर देखें तो जो इंसान रहा है इस धरती पर वो, ठीक है, एक बहुत छोटे से पार्ट, पेल्ट्री, ठीक है, तुच्छ एकदम, 12,000 साल के लिए धरती पर है इंसान, 12,000 साल से है, मतलब ऐसा बोला गया है यहाँ पर, क्लियर, ओके, तो ये जो सिविलाइजेशंस हमारी बनी है, और ये जो ये सब कब से हो रहा है, लगभग लगभग 500 मिलियन ईयर्स, 650 मिलियन ईयर्स से, ये सारी कैलकुलेशन दी हुई हैं, बेरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, अगर आप एक ऐसी क्लॉक बनाओ जो धरती मतलब समय की मतलब अगर सेकंड्स में उसको नापा जाए तो हम मुश्किल से यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए हैं बस, ठीक है, अभी 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 जस्ट हमारा जन्म ही हुआ है इंसानी सिविलाइजेशन सभ्यता का,
यहाँ पर कुछ सेकेंड्स ही हुए हैं हमें इस पूरे इतने बड़े टाइम फ्रेम में. इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस. और क्या कह रहे हैं राइटर यहाँ पर कि इतने कम समय में अगर जियोलॉजिकल क्लॉक बनाई जाए एक, ठीक है, तो उसमें इतने कम समय में हमने क्या क्या कर दिया. हमने उथल पुथल मचा के रखी हुई है, ठीक है. एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस. ओके, मतलब है कि हमारी जो प्रेजेंस है, एचिंग का मतलब क्या है, ठीक है, एकदम घुस गए हैं हम हर चीज़ में, एनग्रेव कर लिया है खुद को, धसा लिया है. तो हमारा जो वर्चस्व है, डोमिनेंस है, क्लियर, तो वो क्या है, नेचर पर हावी हो रहा है. कैसे, हमने गांव बना लिए हैं, शहर बना, टाउन्स बना लिए, सिटीज़ बना लिए, मेगा सिटीज़ बना लिए, मतलब इतने ज़्यादा हमने नेचर के ऊपर डोमिनेंस कर लिया है. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. और जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ी है, जितनी रफ्तार से हमारी रैपिड एकदम बढ़ी है ह्यूमन पॉपुलेशन, इसने हमें बिल्कुल युद्ध स्तर पर लाकर रख दिया है बाकी प्रजातियों के साथ, ठीक है. क्यों, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ओके, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. और बिल्कुल ठीक है, एकदम निरंतर लगातार, ठीक है, लगातार जो हम फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें, ठीक है, उससे क्या हुआ, दुनिया भर में कार्बन की एक चादर, ब्लैंकेट यानी चादर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की दुनिया के ऊपर बिछ गई है, एकदम चढ़ गई है. ओके, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. हाँ, धीमे ही सही, लेकिन डेफिनेटली जो दुनिया का जो वैश्विक टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो रहा है. क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम. और आज के समय में अगर देखा जाए, तो आज के माहौल में, तो हम क्लाइमेट चेंज पर सबसे ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं. ओके, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो पश्चिम में अंटार्कटिक आइस की शीट है, क्या वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्रप्टेड. और क्या जो गल्फ स्ट्रीम के ओशन करेंट्स हैं, क्या वो उथल पुथल हो जाएंगे, डिस्रप्ट हो जाएंगे. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट. क्या ये दुनिया का अंत होगा बर्फ पिघलने से. ओके, मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इधर वे दोनों तरफ से काम कर रहा है चीज, सिचुएशन, ठीक है. इधर वे मतलब लिविंग दैट अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. और जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तब अंटार्कटिका जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. क्लियर, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर हैज नेवर सस्टेन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ आइस. ओके, लेट मी एक्सप्लेन, इज गोइंग वेरी लॉन्ग. ओके, तो क्या होता है, वो इसलिए ये डिबेट का हिस्सा नहीं बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी तक इंसान आए नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर सेटल्ड नहीं हुई है, सस्टेन नहीं हुई है, ठीक है, ये एक रीज़न नहीं है, ठीक है. एंड देयरफॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, क्योंकि ये बहुत एंशियंट जगह है, बहुत प्राचीन जगह है. ओके, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, क्यों अंटार्कटिका हर बार एक टॉपिक, एक सेंटर ऑफ टॉपिक बनता है जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है, लगभग आधे मिलियन साल पहले, ठीक है, लगभग 500,000 साल पहले की बात हो रही है. इतने पुराने जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो उसकी लेयर में, आइस में ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, गॉट इट. इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो. और क्योंकि इतने समय पहले के कार्बन ट्रेसेस और बाकी चीज़ें उसमें बर्फ में फंसी हुई हैं जो आज तक सही हालत में होंगी शायद, क्लियर, तो कह रहे हैं कि अगर, ठीक है, आप इस बात की पढ़ाई करना चाहते हो और उसकी जानकारी लेना चाहते हो कि धरती का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या रहा है, फ्यूचर क्या रहा है, तो अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ पर आपको जाना होगा या जाना पड़ेगा. ओके, students on ice, the program I was working with on the Shokalski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect of a planet. Okay, student on ice, ye program ka naam hai. ओके, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग ऑन, तो ये जो राइटर हैं वो इस प्रोग्राम के लिए काम कर रही हैं, मतलब इसी पर्पज से वो यहाँ आई हैं. और किसके साथ कर रही हैं, ठीक है, शोकल्स्की, ओके, कोई संस्था होगी या कुछ होगा, सो इट्स मे बी अ रशियन वर्ड, सो आई एग्जैक्टली डोंट नो.
एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स. अब वो क्या करना चाहते हैं, मतलब ये संस्था क्या करना चाहती है, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को दुनिया के अंत तक लेकर जाना चाहती है, मतलब जहाँ पर अभी लोग भी नहीं पहुँचे वहाँ वहाँ लेकर जाना चाहती है, और ताकि उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जहाँ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज उनको मिले, विच विल हेल्प दैम फॉस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लैनेट. ओके, और उनको जानकारी मिलेगी, नई समझ मिलेगी, और नए तरीके से वो हमारे जो धरती की है वो रिस्पेक्ट भी करना सीखेंगे हमारे प्लैनेट की. इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो कब से चल रहा है, लगभग 6 साल हो चुके हैं इसको. हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, तो एक कैनेडियन सिटीजन है जियोफ ग्रीन, उन्होंने इसका शुरुआत की थी. हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच. ओके, क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. ओके, तो अब क्या होता है, जो क्यूरियोसिटी ये काफ़ी सेलिब्रिटीज के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे का किया है उन्होंने, और बड़े अमीर तरीके से वो रिच भी हुए हैं, ठीक है, रिटायर्ड भी हुए हैं. क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो जिज्ञासु लोग होते हैं ना वो कुछ ना कुछ वापस जरूर करते हैं लिमिटेड वे में. ओके, विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो आगे जाके बड़े बड़े नेता बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, और अलग अलग फील्ड्स में काम करेंगे. तो ये जो पर्सन है, जो कैनेडियन जियोफ ग्रीन है, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर हैं, कौन है फ्यूचर के पॉलिसी मेकर, स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन पॉलिसी मेकर जो हैं वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लें. ओके, एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, उस एज में जब वो सच में चीज़ों को सीख सकें, ठीक है, लर्न कर सकें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट कर सकें, मतलब एक्शन ले सकें. ओके, तो वो ये चाहते हैं कि बच्चे जाएं, स्टूडेंट्स जाएं, और वो इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करें. द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. ओके, तो ये जो प्रोग्राम है वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ है, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि आप साउथ पोल तक जा ही नहीं सकते, ये बड़ी मुश्किल जगह है वहाँ तक पहुँचना, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. ओके, और किसी भी चीज़ से आप अफेक्ट भी ना हो, ये भी बड़ी बात है कि आप वहाँ पहुँच भी हो अफेक्ट भी ना हो. इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स. ओके, मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो कह रहे हैं कि बड़ी आसान है कि आप अपनी अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब अपनी जगह पर बैठ कर, अपने कम्फर्ट जोन में बैठ कर, ठीक है, हम ये बातें बना लें कि आइस कैप्स जो हैं, जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो ये बड़ा आसान है. ओके, बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल. लेकिन जब आप वहाँ जाके अपने सामने, अपनी आँखों के सामने ग्लेशियर्स को एक दूसरे से टकराते देखेंगे, रिट्रीट करते देखेंगे, और बर्फ को पिघलते और टकराते देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक सही चीज़ है, रियल चीज़ है, कोई बातें नहीं बनाई जा रही हैं. ओके, तो ये हमें राइटर सिखाना यहाँ पर चाह रहे हैं. अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अच्छा, अंटार्कटिका कैसा है, वहाँ पे इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, क्लियर, बर्फ है, दैट्स इट. एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे कोई है नहीं, ठीक है, जानवर भी हैं तो वो बहुत कम है, गिने चुने ही हैं, ठीक है, मतलब एक ही तरह के चीज़ें हैं वहाँ पर. तो ये बताया गया, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस. ओके, मतलब है ये एक बहुत परफेक्ट जगह है जहाँ पे आप इस बात की पढ़ाई कर सको कि छोटा सा भी बदलाव हमारे वातावरण में, ठीक है, किस तरीके से एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, ठीक है, एकदम चीज़ों को अफेक्ट करता है. ओके, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन. अब एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि छोटी चीज़ कैसे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, आप माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन को ही ले लीजिए. अब ये क्या होता है, ठीक है, ये एक तरीके का यू कैन से लाइफ इसी से शुरू हुई है. ओके, तो ये ग्रासेस होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं और जो क्या करती हैं, नरिश करती हैं, सस्टेन करती हैं एंटायर सदर्न फूड चेन, जो फूड चेन है पूरी. ओके, उसको बना के रखने में हेल्प करती हैं. अब छोटे छोटे फाइटोप्लैंकटन होते हैं ये, लेकिन वो कितना बड़ा पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है फूड चेन का. ओके, सदर्न ओशन में दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वॉन्ड्रस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ. तो छोटे छोटे जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी का इस्तेमाल करके, ठीक है, कार्बन का यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ओके, इन दैट वॉन्ड्रस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस.
ठीक है, जिसको हम जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंकटन. अब साइंटिस्ट ने हमें चेतावनी दे दी है कि अगर ओजोन लेयर में और ज़्यादा दिक्कत हुई, अगर और डिप्लीशन हुआ, तो फाइटोप्लैंकटन की एक्टिविटीज़ पर फ़र्क पड़ेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल. और जिसका असर क्या होगा, ठीक है, इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन उसका असर कितना बड़ा होने वाला है, देखो, ठीक है, अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल, जितने भी पानी के जानवर हैं उनमें बहुत बड़ा असर होगा, जो बर्ड्स हैं उस रीजन में रहती हैं, चिड़िया रहती हैं, उन पर बहुत असर पड़ेगा, और ग्लोबल कार्बन साइकिल पर भी बहुत, ठीक है, गलत असर पड़ेगा. इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस. ओके, तो अगर यहाँ पर बात किया जाए, ठीक है, फाइटोप्लैंकटन के बारे में, तो एक मेटाफर है जो एग्जिस्टेंस में है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें खुद सही होने लगेंगी. ओके, ये बहुत बड़ी चीज़ है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. अब ऑब्वियसली बात है, हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करने की जगह अगर हम सिर्फ फाइटोप्लैंकटन को अगर दिमाग में रखकर अपनी नीतियाँ बनाएं और अपने एक्शन लें, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेटल हो जाएंगी. ओके, सो दिस इज़ अ मेटाफर एंड यू कैन यूज़ दिस लाइन इन योर आंसर्स एज वेल. ओके, वॉक ऑन द ओशन, ठीक है, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपना अंटार्कटिक का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रही हैं वो, क्लियर. तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपने एहसास के बारे में बात कर रही हैं. बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, जो सर्कल है अंटार्कटिक का सर्कल है वो 65.55 डिग्री साउथ में है. ओके, द शोकल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड. तो जो ये जो संस्था है शोकल्स्की है, ओके, उसने मैनेज किया इनको किस तरीके से कि थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, ओके, एकदम मोटी परत, बर्फ की एक मोटी परत, ठीक है, जो है बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. तो ये जो संस्था है शोल्स की, ओके, जिसके लिए काम भी कर रही हैं, उसने क्या किया, इनको बर्फ के टुकड़े से निकाला बाहर, जो कि पेनिनसुला के बीच में और टैडपोल आइलैंड के बीच में है. अच्छा, ये समुद्र के ऊपर जमी हुई बर्फ है, गॉट इट, मतलब वहाँ जमीन नहीं है, वहाँ सिर्फ बर्फ है इसके बीच में, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. ओके, क्योंकि इसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे थे. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे, ओके, टर्न अराउंड करेंगे और हम वापस नॉर्थ की तरफ चलेंगे. बट बिफोर वी डेड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. लेकिन ठीक है, इससे पहले हम ये करते तो हमें ये बताया गया कि हम नीचे उतरेंगे और गैंग प्लैंक पर, ठीक है, गैंग प्लैंक से नीचे उतरेंगे और हम ओशन के ऊपर चलेंगे. ओके, तो गैंग प्लैंक क्या है, तख्ता, ठीक है, इट्स लाइक अ वुडन, यू कैन से, पीस, ठीक है. टाइटैनिक में देखा होगा जहाँ पर वो लास्ट का सीन होता है, जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसपे एक्ट्रेस होती है, वो जो एक्टर होता है वो डूब जाता है, तो दैट, उस तरीके का गैंग प्लैंक. ओके, सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस. अच्छा, वहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, यहाँ पे इसका काउंटिंग है, वहाँ 52 लोग हैं. निटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन द स्टार्क विटनेसेस वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. और कहाँ पर चल रहे हैं, वो एक वाइटनेस पर चल रहे हैं, वाइटनेस मतलब बर्फ़ की बात हो रही है जो लग रहा है कि हमेशा के लिए यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है, और कितना भी चलोगे ख़त्म नहीं होने वाली. अंडरनीथ आर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. ओके, तो क्या कह रहे हैं कि हमारे नीचे, हमारे पैरों के नीचे क्या है, हमारे पैरों के नीचे एक मीटर थिक आइस पैक है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है पैर के नीचे, और उसके नीचे क्या है, 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, ठीक है, 180 मीटर गहरा, ठीक है, जिंदा एकदम, और ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर है, मतलब यहाँ पर उसको ऐसा लाइक जीवित चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है, तो नमकीन पानी है, मतलब समुद्र है. इन द पेरीफेरी ऑफ क्रेबीटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री. अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो क्रेबीटर सील्स हैं वो खुद को स्ट्रेच कर रही है, ओके, और धूप दिखा रही है खुद को आइस के ऊपर, ओके, जैसे एक डॉग्स करते हैं ना,
जैसे मान लो कि भाई बरगद के पेड़ के नीचे शेड मिल जाएगा डॉग्स को, तो वो कैसे खुद को स्ट्रेच करते हैं, उसी तरीके से जो जो सील्स हैं, ठीक है, क्रैब ईटर सील्स जो हैं वो खुद को ऐसे खींच रही हैं, ठीक है, सूरज के नीचे लेटी हुई हैं, तो इस तरीके से आप बता रहे हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ द रेवलेशन, एवरीथिंग डज नीड इन डीड कनेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एकदम रिवील की जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फियर्स लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट। ओके, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 9 टाइम जोन्स हैं, 6 चेक पॉइंट्स हैं, 3 वाटर बॉडीज हैं और कितने सारे इकोस्फियर्स पे पार करने के बाद वो यहाँ पहुँची हैं। तो कह रही हैं हम अभी भी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से, किस खूबसूरती से जो ये नेचर है, ये प्रकृति है, ठीक है, या हमारा जो प्लैनेट है उसने खुद को बैलेंस किया हुआ है। How would it be if Antarctica were to become the warm place and that it once used to be? कह रहे कैसा होगा अगर Antarctica एक गर्म जगह होता, okay? जैसे वो एक बार हो चुका है, पहले तो Antarctica गर्म जगह ही था, obvious सी बात है। Will we be around to see it? क्या हम वहाँ होते उसको देखने के लिए? और would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? या हम उस रास्ते पर चले जाते जहाँ डायनासोर्स, मैमथ्स और वूली राइनोस गए हैं। ओके, तो ये बताया गया, मतलब जिस तरीके से वो चले गए इस धरती से, या हम भी उसी तरीके से चले जाते। हुज टू से, कह रहे कौन बताएगा इस बात को। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, ऑल आई कैन से इज दैट लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। ओके, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग 2 हफ्ते बिताने के बाद, ठीक है, इतने सारे टीनेजर्स के साथ, इतने सारे बच्चों के साथ, जिनके अंदर, ठीक है, जिनके अंदर ये आदर्शवाद है, ठीक है, आइडियलिज्म है कि वो इस दुनिया को बचाएंगे, ऑल आई कैन से दैट इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। तो कह रहे हैं कि हम एक बात तो कह ही सकते हैं इतनी सारी चीज़ों के बाद कि बहुत कुछ हो सकता है मिलियन ईयर्स में, मतलब 10 लाख साल में बहुत कुछ हो सकता है। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक उन्होंने रिमार्क छोड़ा है हमारे लिए। ओके, सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी। ओके, एंड यू कैन मेक नोट्स रिगार्डिंग दिस, एंड थैंक यू।